उधर रूस से जंग के बीच यूक्रेन ने बेलारूस के खतरों से निपटने के लिए उसकी सीमा पर ही बड़ा सैन्य अभ्यास किया, क्योंकि रूस का साथी बेलारूस जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन को आंख दिखाता आया और इसीलिए जेलेंस्की की फौज ने बेलारूस से लगने वाली यूक्रेन की सीमा पर दुश्मनों को ढेर करने का अभ्यास किया। बर्फ से ढकी जमीन और घने जंगलों के बीच यूक्रेन के सैनिक ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखे। दुश्मन की नजर से बचने के लिए यूक्रेन के सैनिक सफेद वर्दी में नजर आए। उन्होंने बर्फ के ढेर और पेड़ों की आड़ में छिपकर हमले का अभ्यास किया। ये ड्रिल बेलारूस से लगने वाली यूक्रेन की सीमा पर चर्निव इलाके में की गई। बेलारूस के साथ यूक्रेन करीब 1100 किलोमीटर लंबा बॉर्डर साझा करता है और माना जाता है कि रूस का साथी बेलारूस उसके इशारे पर किसी भी वक्त यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ा सकता है। कुछ दिन पहले ही बेलारूस की सेना ने यूक्रेन से लगने वाले बॉर्डर पर युद्धाभ्यास भी किया था। ऐसे में बेलारूस के खतरों से निपटने के लिए यूक्रेन ने तैयारियां तेज कर दी। लेकिन इसी बीच रूस ने यूक्रेन को बड़ी चोट पहुंचाने का दावा किया। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसकी सेना ने यूक्रेन के 12 सैनिकों को मार गिराया। इस हमले का वीडियो भी जारी किया गया और उस वीडियो में रूस का एक T-90 टैंक बर्फीले रास्ते पर तेज रफ्तार से दौड़ता दिखा। इस दौरान उसने एक मकान पर निशाना साधा और बिना वक्त गवाए उस पर गोला दाग दिया। इस जोरदार हमले में उस मकान का ऊपरी हिस्सा हवा में उड़ गया, मकान के परखचे उड़ गए। दावा किया गया कि उस मकान को यूक्रेन के सैनिक ठिकाने की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन रूसी फौज को जैसे ही इसकी भनक लगी उसने टैंक से वहां पर हमला कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस हमले में यूक्रेन के 12 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया। हालांकि रूस की तरफ से ये नहीं बताया गया कि ये हमला यूक्रेन के किस इलाके में किया गया।